उत्तर प्रदेश में मचे सियासी घमासान के बीच यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान भूपेंद्र चौधरी ने लोकसभा चुनाव में यूपी में पार्टी के खराब प्रदर्शन की नैतिक जिम्मेदारी ली है। पीएम मोदी और यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के बीच करीब एक घंटे तक बैठक चली, तो वहीं पीएम से बैठक के बाद भूपेंद्र चौधरी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मिले। दोनों मुलाकातों में भूपेंद्र चौधरी ने संगठन, आगामी उपचुनाव समेत कई मुद्दों पर केंद्रीय नेतृत्व को अपनी जानकारी दी है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी बीजेपी अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की, करीब एक घंटे तक ये बैठक चली। उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनकी मीटिंग हुई है और आपको बता दें कि इस मीटिंग में संगठन को लेकर और साथ ही आगामी उपचुनाव को लेकर, इन तमाम मुद्दों को लेकर जानकारी केंद्रीय नेतृत्व को दी गई है। और इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर है कि उत्तर प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा, यानी योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने रहेंगे, जबकि राज्य की कैबिनेट में थोड़ा बदलाव देखा जा सकता है। बल्कि केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर फोकस करने की नसीहत जो है वो दी गई है। इससे पहले केशव प्रसाद मौर्य के दिल्ली पहुंचने और जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात के बाद राज्य में सत्ता को लेकर अटकलें तेज हो गई थी, लेकिन अब जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है कि उत्तर प्रदेश में किसी तरह का नेतृत्व परिवर्तन फिलहाल देखने को नहीं मिलेगा। केंद्रीय नेतृत्व ने एकजुट रहने की नसीहत दी है और उपचुनाव को लेकर तैयारियों करने को कहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर एक अहम बैठक की। इन उपचुनावों के लिए योगी आदित्यनाथ ने 30 मंत्रियों की एक टीम का गठन किया है, लेकिन खास बात यह रही कि इनकी टीम में दोनों उप मुख्यमंत्रियों को जगह नहीं दी गई है। उपचुनाव को लेकर कल ये मीटिंग हुई थी, स्पेशल 30 ये टीम बनाई गई है, 30 मंत्री इसमें शामिल है। उपचुनाव को लेकर यहां मंथन किया गया, लेकिन इस टीम में दोनों ही उप मुख्यमंत्रियों को जगह नहीं दी गई है। केशव प्रसाद मौर्य जो कि दिल्ली में थे और ब्रजेश पाठक जो लखनऊ में थे, वो इस मीटिंग में नहीं पहुंचे। और उधर सियासी घमासान के बीच केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव में वार पलटवार जारी है। यूपी बीजेपी में खींचतान की खबरों पर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला किया, आरोप लगाया कि बीजेपी में टकराव और भटकाव का दौर शुरू हो गया है। इस पर केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया और कहा कि यूपी में समाजवादी पार्टी के गुंडा राज की वापसी असंभव है, बीजेपी 2027 विधानसभा चुनाव में 2017 को दोहराएगी। कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में लड़कर के और कुर्सी की लड़ाई में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन खत्म कर दिया है, जहां इन्हीं के विधायक, इन्हीं के लोग आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार चल रहा है। हम लोगों ने अखबारों में पढ़ा है कि मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं कि बड़े पैमाने पर दलाली चल रही है। जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हों कि दलाली हो रही हो और अखबारों में बड़ा बड़ा लिखा हो कि दलाली हो रही है, तो जनता जानती होगी कितनी दलाली हो रही है।